क्वेश्चन okay, नंबर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे सेम सिमिलर इंफॉर्मेशन है दो प्लेस है ए और बी भी, इनके बीच में नाइन्टी किलोमीटर का डिस्टेंस है एक प्लेस ए से एक कार निकलता है एक प्लेस बी से एक कार निकलता है फैक्टर्स है फैक्टर दे स्टार्टेड एट द सेम टाइम दे गो इन द सेम डायरेक्शन अगर ये फैक्टर्स है तो दे मीट इन नाइन आवर्स लेकिन अगर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक है, दे मीट इन नाइन बाई सेवन आर्स ये दो केस यहां पे दिया हुआ है तो सेम तरीके से अगर हम इसको करें केस वन तो दोनों के के बीच में, प्लेस A और प्लेस B के बीच में में और किलोमीटर का डिस्टेंस है हु? अभी प्लेस ए से जो कार निकलता है ठीक है और प्लेस बी से मतलब प्लेस बी से एक, एक कार निकलता है प्लेस ए से एक कार निकलता है और वो मीट करते हैं

दे आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड है ना तो डिफरेंट स्पीड इसलिए हम ऐसे करते हैं स्पीड ऑफ कार ए सेम तरीके से लिखेंगे हम जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखा है वैसे ही लिखेंगे और इसका जो है वाई किलोमीटर पर ठीक है ये हम ले लेते हैं उससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं तो डिस्टेंस कितना मिलेगा स्पीड इनटू टाइम नाइन एक्स और इसका जो डिस्टेंस है वो हमें मिलेगा नाइन वाई अब यहाँ पे इक्वेशन हम सेम टाइप से बनाएंगे जैसे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी ए बी प्लस बीसी इज इक्वल टू एसी तो AB तो कितना है नाइनटी किलोमीटर BC कितना है नाइन वाई और ए सी नाइन एक्स तो ये हमारा इक्वेशन है पूरे इक्वेशन को आप से डिवाइड कर दो टेन प्लस वाई प्लस एक्स सॉरी ठीक है अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टेन ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ठीक वैसे ही अगर हम सेकंड केस बनाए तो सेकंड केस में लिखा है कि दे आर मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब से जो कार निकलते हैं और वो जिस डायरेक्शन डायरेक्शन में जाते हैं, उसका में उसका ऑपोजिट दोनों मतलब चलते हैं तो ए का डायरेक्शन मान लो इस तरफ है तो बी का डायरेक्शन फिर इसके ऑपोजिट होगा ठीक है तो फिर ऐसा करने पर वो एक घंटे में एक नहीं नाइन बाई सेवन आर में मीट करते हैं तो मीटिंग प्लेस को मैं सी मान लेता हूं ठीक है तो नाइन आवर्स में मीट करते हैं तो अगर सॉरी नाइन नहीं नाइन बाई सेवन आवर्स यही था ना एक बार चेक कर ले हाँ, नाइन बाय सेवन आवर्स इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन नाइन बाई सेवन आवर्स तो इसका मतलब है कार ए को नाइन बाई सेवन आवर्स लगा सेम कार बी को भी लगा क्योंकि दोनों ने स्टार्ट तो सेम टाइम पे किया था ना और नाइन बाई सेवन आवर्स में मीट किया मतलब इतनी देर तक दोनों ने ट्रेवल किया तो ये हो गया उनका ड्यूरेशन और स्पीड तो जैसे था पहले भाई एक्स किलोमीटर पर आर कार ए के लिए और वाई किलोमीटर पर आर कार बी के लिए अब आप इक्वेशन डिस्टेंस फाइंड करो दोनों का तो ये हो जाएगा नाइन एक्स बाई सेवन किलोमीटर और कार बी के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा नाइन वाई बाई सेवन किलोमीटर ठीक है हमने स्पीड इनटू हमने स्पीड इनटू टाइम ये फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाला अब हम इक्वेशन बना सकते हैं क्या बनाएंगे एसी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए सी ए बी सॉरी ठीक है एसी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी ए सी कितना ए सी सी तक नाइन एक्स बाई सेवन C से B तक नाइन वाई बाई सेवन इज इक्वल ए बी नाइन किलोमीटर अब आप सबको सब 9 से डिवाइड कर दो सबको 9 से डिवाइड करने से x बाई से प्लस वाई बाई सेवन इक्वल्स टेन मिलेगा उसके बाद आप एलसीएम करके सेवन को राइट साइड सेंड कर दो तो फाइनली आपको मिलेगा ये इक्वेशन ठीक है क्लियर हुँ? अभी हो जाएगा इस टाइप के सम्स। yes. हाँ, सम्सा अच्छा चलो बुक में आपके एनसीईआरटी के बुक में चलते हैं एक क्वेश्चन और था ये वाला देख लेते हैं नंबर फाइव देखो नंबर फाइव में लिखा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल

और वाई ब्रेथ को हम वाई ले रहे हैं तो लेंथ इन टू ब्रेथ करने से एरिया मतलब एरिया एक्स वाई है इन्होंने बोला अगर इन लेंथ और ब्रेथ में चेंजेस करें तो ये एरिया भी चेंज हो जाएगा कितना चेंज होगा एरिया नाइन स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा मतलब अगर हम लेंथ और ब्रेथ में चेंज करें मतलब एक और नया रेक्टेंगल बनाए तो लेंथ कैसे चेंज होगा लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय फाइव मतलब लेंथ एक्स था ना उसे रिड्यूस कर दो कितना फाइव यूनिट और ब्रेथ कितना था वाई था और यहाँ क्या करना ब्रेथ इज इंक्रीज बाई यूनिट थ्री यूनिट तो y को हम इंक्रीज कर देंगे बाई थ्री यूनिट ऐसा करने से जो एरिया बनेगा वो एरिया क्या होगा जो एक्चुअल एरिया था पहले उसमें से स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा तो इसके एरिया माइनस ये हो जाएगा तब इसका एरिया ठीक है तो हम इससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे फिर यहां पे अभी करंट लेंथ और ब्रेथ जो है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो एरिया मिलेगा उसी एरिया को हम इस एरिया के साथ कंपेयर करेंगे मतलब लेंथ इन ब्रेथ इज इक्वल्स टू दिस एरिया एक्स वाई माइनस नाइन ठीक है इतना पोर्शन मैं आपको फॉर्मेट में दिखाता हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव था नहीं हाँ लेट द the... length and breadth of the rectangle b x and y units respectively therefore area equals xy square units ठीक अब केस वन न्यू लेंथ न्यू लेंथ कितना न्यू लेंथ है इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय फाइव यूनिट तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा एक्चुअल लेंथ है एक्स न्यू लेंथ है अगर वो रिड्यूस हो जाए फाइव यूनिट मतलब एक्स माइनस फाइव यूनिट ये हो गया न्यू लेंथ न्यू ब्रेथ न्यू ब्रेथ के बारे में क्या बोला ब्रेथ इज इंक्रीज बाय थ्री यूनिट्स तो ब्रेथ को हम थ्री यूनिट इंक्रीज कर देते हैं वाई प्लस थ्री यूनिट्स ब्रेथ हमने इंक्रीज कर दिया उससे हमें जो एरिया मिलेगा वो एरिया नाइन स्क्वायर यूनिट कम होगा है ना द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गैट रिड्यूस बाय नाइन स्क्वायर यूनिट ठीक है उससे हमें क्या एरिया मिलेगा देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो लेंथ और ब्रेथ है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू जो एरिया में एक्चुअली मिला था उससे नाइन स्क्वायर यूनिट कम मतलब एक्स वाई माइनस नाइन मतलब ये जो एरिया है ये एरिया एक्चुअल एरिया से नाइन स्क्वायर यूनिट कम है ठीक है अब आप इसे सॉल्व करो एक्स के साथ आप दोनों को मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू वाई एक्स वाई

15 और यहाँ पे -9. अब इसे सॉल्व कर दो 3x -5y 6. तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ठीक है क्लियर हो गया हमने जो इक्वेशन बनाया ना ये जो हमने इक्वेशन या फ्रेम किया इसमें जो कंसेप्ट हमने यूज किया वो कंसेप्ट यूज किया अबाउट न्यू एरिया जैसे हमारे पास न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ है ना उसी तरह हमारे पास न्यू एरिया भी तो होगा क्योंकि आपने नया लेंथ और नया ब्रेथ यूज किया है एक तो फिर जो एरिया मिलेगा वो भी तो एक्चुअल तो एक है, है, है मतलब एक्स वाई माइनस नाइन ठीक है ये और हमारे पास जो लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे है इनको मल्टीप्लाई करने से भी एरिया आता है ठीक है तो इस न्यू एरिया की जगह हम लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू ए न्यू एरिया और इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास क्या है एक्स वाई माइनस नाइन इस तरह से हमारा इक्वेशन बना ओके तो उसी को मैंने सॉल्व किया सॉल्व करने पर थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू सिक्स ये मैंने चलो इसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन बनाते हैं केस टू करते हैं केस टू केस टू में देखो क्या लिखा हुआ है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय थ्री यूनिट्स तो न्यू लेंथ नोट करता हूं मैं इंक्रीज बाय थ्री यूनिट्स है ना यही था ना हा एंड ब्रेथ बाय टू यूनिट्स मतलब ब्रेथ को भी इंक्रीज करना टू यूनिट्स से न्यू ब्रेथ उसको ब्रेथ क्या था वाई था ना वाई को हमने टू यूनिट्स इंक्रीज करना है तो यहां लिख दो यूनिट्स ठीक है तो फिर न्यू एरिया के बारे में क्या बोला गया न्यू एरिया इज इंक्रीज तो न्यू एरिया इज इंक्रीज बाय सिक्सटी सेवन मतलब एक्सवाई उसका एरिया था उसमें सिक्सटी सेवन यूनिट इंक्रीज हो गया ठीक है द एरिया जो एक्चुअल एरिया था द एरिया द्रीजे बाई स एक्स वाई वो स्क्वायर यूनिट बढ़ गया ठीक है तो न्यू एरिया हम कैसे निकालेंगे तो न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ करने से न्यू एरिया मिलेगा तो न्यू लेंथ है x प्लस थ्री न्यू ब्रेथ है y प्लस टू लेंथ इंटू ब्रेथ करने से एरिया मिलता है तो यहां पर हमारा एरिया पहले से है एक्स वाई प्लस सिक्सटी सेवन अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो x इंटू वाई एक्स वाई एक्स इंटू टू टू एक्स फिर थ्री इंटू आई थ्री वाई एंड थ्री टू सिक्स राइट साइड में एक्स वाई प्लस दोनों साइड में एक्स वाई और एक्स वाई कैंसल्ड टू एक्स प्लस थ्री वाई बचेगा और प्लस सिक्स को आप राइट साइड शिफ्ट करके सिक्सटी सेवन से माइनस कर दो तो आपको मिलेगा सिक्सटी वन ये हमारा सेकेंड इक्वेशन तैयार ओके okay, क्लियर समझ गए यस yes, तो चलो आज yes, तक ही करते हैं ठीक है एक और क्लास हम बाद में कर लेंगे उसमें हम आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे ठीक है आ, कल तो आप लोग का नॉर्मल क्लास है बैच वन और सेवा बोर्ड आप लोग के क्लास है कल तो एक बार हम लोग देखते हैं मैं सैटरडे को एक क्लास और लेने की कोशिश करता हूँ ठीक है सैटरडे को सेम टाइम पे मैं आप लोग का एक और क्लास लूंगा उसमें आ, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ अभी आप लोग जस्ट रेडी रहना मैं आप लोग को लिंक बाद में मैं डिसाइड करके भेजूँगा उसमें हम लोग ये सेकेंड पोर्शन का जो रिड्यूसिंग मैथड के प्रॉब्लम हमसे हम उसको वहां डिस्कस कर लेंगे तो बस एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को जो मैंने वर्कशीट दिया उसमें से जितना सम हो सके आप लोग कंप्लीट करो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है ठीक है जितने सारे सम्स करोगे उस सबका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा ठीक हो, है और फिर कोई भी डाउट होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे इस वर्कशीट चलो आज के लिए मैं इतने करवाता हूँ सर बोलो सर जो आप वीडियोस भेजेंगे अगर कुछ डाउट होने से व्हाट्सएप अच्छा पे पूछे ना हाँ पूछ लेना या फिर मेरे को कॉल कर लेना ठीक है कैसे हाँ बोलो थैंक यू था ओ अच्छा ओके ठीक है गुड नाइट